हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 14 अप्रैल है। तो आपके पास स्टिल 4 डेज हैं। तो दिस इज कंसिडर दिस एज अ रिमाइंडर वीडियो फॉर योर सेल्फ कि सिर्फ 4 डेज हैं। आप प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको एक पार्ट होना है इसका, तो प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप उसे रीड करेंगे। इस पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड योर एडमिशन टू पोस्ट डिप्लोमा TBN। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके टाइम इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आपका ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट 14 अप्रैल है। आपके एडिट विंडो 7 अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट आपके फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन उसकी फाइनल एडिट वीडियो 24th and 25th को क्लोज होगी। आपका एडमिट कार्ड आपको 3rd मई को इशू होगा। एग्जामिनेशन डेट आपको 9th मई की है एंड आपका रिजल्ट आपको 31st मई तक मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, वो सारी वीडियोज टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अगर आपको सपोर्ट या फिर उन्हें कॉल करना है, दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स आपको गिवन है। आप यहाँ पे आप ये सारे कंटेंट्स है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए, आपके एग्जामिनेशन फी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिट कार्ड, टेस्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। इनफैक्ट आपको ये भी बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कैसे भरेंगे और रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। अगर आपको कोई डाउट होता है कि आपको अपनी इमेज अपलोड वगैरह कैसे करनी है, उसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपको यूज़र मैनुअल पढ़नी है DNVP पहले की, आना प्लीज़ जो कैसे करेंगे विथ स्क्रीनशॉट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज अपलोड के इंस्ट्रक्शंस यहाँ अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करें। जैसे इमेज अपलोडेशन के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी ही गिवन है, बट ये डिफरेंट है। नई PDF में सिर्फ इमेज आप से वो पढ़ सकते हैं, आप इमेज अपलोड कैसे करेंगे। आप ये देखेंगे अगर आप ऑलरेडी यूज़र है तो आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाएंगे, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने आपको रजिस्टर करेंगे। आप प्लीज़ कंफर्म करें कि अगर आप एक एप्लीकेंट हैं या फिर आप एजेंट हैं, आप किसी के बिहाफ में एप्लीकेशन भर रहे हैं। अगर आप एक एप्लीकेंट हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप किसी के बिहाफ में भर रहे हैं तो आप IM an agent पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेप्स, आप अपने को रजिस्टर करते हैं तो आपको अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ते हैं। जैसे आपकी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप सबमिट करेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे आपको आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आप अपने आपको आप मतलब लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपकी अकेडमिक डिटेल्स आप अपलोड करेंगे, अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। उसके बाद अपनी जहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन देना है आप वो टेस्ट सिटी डिसाइड करेंगे। उसके बाद अपनी फीस पे करेंगे, जो आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगी, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो आपको वापस नहीं मिलेगी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को के साथ अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे प्रिंट आउट लेंगे, उसका जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो 17th to 18th तक चेंज हो सकती है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एडिटेबल नहीं है, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से भरिएगा। आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी लिखेंगे, ये एस्ट्रिक ये दिखा रहा है, ये जो रेड कलर का एस्ट्रिक है ये दिखा रहा है, ये सारी फील्ड जो है वो कंपल्शन है, आपको फिल करनी ही करनी है। आप अपना DOB, अपना नेम वगैरह सब आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे।
आपकी ईमेल आईडी अपना और मोबाइल नंबर प्लीज वही भरेगा, बिकॉज आपको एसएमएस, आपको सारे मैसेजेस, नोटिफिकेशन इन्हीं दो चीज़ों पे आएंगे। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भी आपको यहीं पर मिलेगा। जब आप ये सारे फिल करेंगे तो आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो आपका वेरीफाई होगा, एंड आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला है वो भी आपका वेरीफाई होगा। आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कैरेक्टर्स डालेंगे, जैसे ये कैरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, आप इन्हें रिफ्रेश कर सकते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स आप यहाँ डालेंगे एंड सबमिट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिव्यू भी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप सबमिट कर दीजिए, तब आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर पर आपको आपका यूज़र आईडी एंड लॉगिन मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, एंड इफ यस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।